देखिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश का किस प्रकार से अधिकारी खुला उल्लंघन करते हैं ये उदाहरण है। 2016 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक जस्टिस हमारे यहां कोरिया आए, ट्रेन से उतरे बैकुंठपुर रोड रेलवे स्टेशन चर्चा में, सोल्ड इनोवा गाड़ी से रेस्ट हाउस गए, वहां से डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैकुंठपुर से मनगढ़ कोर्ट गए, वापस रेस्ट हाउस आए और उसी दिन शाम की ट्रेन से वापस लौट गए। इतना सा चलने का अधिकतम 125 किलोमीटर की यात्रा होती है, जिसमें सोल्ड इनोवा गाड़ी का 454 किलोमीटर चलने का बिल लगाया गया। और ऐसे अधिकारियों को समझिए कि जानबूझ के उस गाड़ी को 454 किलोमीटर चलने का बिल का भुगतान किया गया। जस्टिस 19 तारीख को आए और 19 को ही लौट गए, लेकिन 19 और 20 दो दिन का उस इनोवा गाड़ी का बिल का भुगतान किया गया। इस संबंध में पूरी जानकारी सूचना के अधिकार से निकाल के मैं चर्चा थाने में शिकायत किया था, थाना वाले कोई कार्रवाई नहीं किए, कोई विधिवत जांच नहीं किए। मैं एसपी साहब को, उसके बाद आईजी साहब को कंप्लेन किया, कई बार आईजी साहब इसमें स्पष्ट निर्देश किए कि आपराधिक प्रकरण बनता है, अपराध दर्ज करिए, नहीं किया इन्होंने। तब मैं थक हार कर माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट लगाया 283/2019। इस रिट में स्पष्ट आदेश किया गया कि 6 महीने के भीतर विधिवत कार्रवाई करें। हमारे यहां कोरिया पुलिस अधीक्षक और आईजी साहब इस पर कोई भी विधिवत कार्रवाई नहीं किए। थक हार कर मैं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सिविल रिट फाइल की, सिविल अवमानना याचिका फाइल किया, सिविल कंटेम्प्ट नंबर 526/2021। इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश किया करके एसपी और आईजी बाई नेम एसपी और आईजी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इस प्रकार क्या करते हैं ये अधिकारी समझ में नहीं आता। एक क्लियर एफआईआर का मामला है, इसमें एफआईआर नहीं करके हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं करके किन अपराधियों को, किन अधिकारियों को, किन दोषी भ्रष्टाचारियों को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया।